सो हाई नमस्ते एंड वेलकम बैक इन माई ब्लॉग वंस अगेन। दोस्तों हम लोग आज आए हैं ये करेंगर। सो करेंगर ये आपका अहोम का एक और एक अहोम किंगडम का और एक पैलेस है यहाँ पर। तो मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे ये अभी। तो हम लोग आज इस जगह पर एक्सप्लोर करेंगे। कारेंगर है स्थित शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में और ये लगभग शिवसागर मेन टाउन से 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। यहाँ पर भी आप लोग कई भी साधन से यहाँ पर पहुँच सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आइए मेरे साथ इस जर्नी में एंड साथ मिलकर इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। टिकट काउंटर यहाँ पर है पीछे, तो यहाँ पर टिकट लेते हैं अभी और इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे अभी। सो नौना तवांग करेंगे रो कटाल कैसे जगह हम किन फा गया रो और हम किन रोमी कैसे पहले सुमो। सो तीन और सुन हाथ नाई तीन सामने बड़ो कम बेल आई थिंक स्टूडेंट हमी तीन एक्सकर्सन एक्सपिडिशन दो रो। सो हमी नाइना तीन और करेंगे और एक्सप्लोर खेने। सो फ्रेंड्स वेलकम बैक वंस अगेन माई ब्लॉग। सो हियर आई एम टुडे इन करेंगर। सो करेंगर इज वन ऑफ द ग्रैंडेस्ट पैलेस ऑफ अहोम किंगडम। सो वी आर गोइंग इन नाउ। अभी टिकट लेने की कोशिश करेंगे हम लोग, टिकट ले है यहाँ पर इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे। ये वही एंशियंट स्ट्रक्चर है जो आप लोग तालातलगढ़ और रंगर में देखे थे। बहुत ही बढ़िया कंस्ट्रक्शन है उस जमाने का और ये भी एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, तो उसको भी जैसा था जैसा है ऐसे रखा गया, कोई मॉडर्न टच नहीं, कोई अपग्रेडेशन नहीं। तो अभी हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। ये फिर से ये स्टेयर्स आप लोग देखिए बहुत स्टीप है क्योंकि ये पुराना एक स्ट्रक्चर है, बहुत अंधेरा है अंदर। तो अभी हम लोग दूसरे माले पे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये पुराना वाला स्ट्रक्चर है। Thank you.
मैं हूँ अभी ये दूसरे माले की एक रूम पे यहाँ पर। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये भी एक पुराना स्ट्रक्चर है, उस जमाने की कंस्ट्रक्शन है। अब इंजीनियरिंग देखिए, उस जमाने की इंजीनियरिंग मार्बल देखिए कैसे बनाया होगा उस समय में ये जो स्ट्रक्चर, क्योंकि उस जमाने कोई ना कंक्रीट है ना कुछ है, कुछ लकड़ी और ये स्पेशल टाइप का उन लोगों का जो मिक्सर होता होगा उससे ये बनता होगा उस जमाने में। तो बहुत ही अद्भुत अनुभव है यहाँ पर ये एंशियन चीज़ें देखने की, बहुत ही मन प्रसन्न हो जाता है। अभी और ऊपर हम लोग चल रहे हैं, शायद ये जाता है टेरिस में। तो ये भी आप स्टेप्स देखिए, बहुत ही स्टीप है। तो ये भी और एक रूम से यहाँ पर पैसेज टाइप का रूम बना हुआ है। अभी हम लोग मेन हॉल में एंट्रेंस हो रहे हैं ऊपर का। अच्छा, उस तरफ और एंट्री नहीं है। फ्रेंड्स तो सको फैस क्या सकनी जे बी उनको नाम नाम तुम एक्चुअली सात सको बन सान था कहीं आज रो बन कन्स्ट्रक्शन रक आम सामजाक। सो तला जे बीज बन फुरगन तबुक तो पूरा लास्ट ग्रीन एरिया मो। सो जो खांगी दूँगा बीसते नाजन बगे ये कुछ वास्टर टाइप का है बना हुआ है यहाँ पर, यहाँ से कोई मॉनिटर या फिर वॉच करता होगा एक्टिविटीज उन लोग का। तो फ्रेंड्स यही था ये दो माले की जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है उस जमाने की, हम लोग अभी एक्सप्लोर कर चुके। स्टेप्स देख सकते हैं हम लोग, बहुत ही स्टीप है यहाँ पर। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं वही सेम ब्रिक्स और वही सेम टाइप का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर भी यूज किया गया है, जो रंगघर या तो फिर तलातल घर में वही सेम टाइप का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर भी सेम यूज किया गया। तो ये जो प्लान या तो फिर ये जो बिल्डिंग्स जो बना था तब सेम रेंज में बना था, इसलिए ये स्ट्रक्चर सब सेम ही है देखने के लिए। बहुत ही रोमांचक अनुभव है ये जो यहाँ का जो स्टेयर से बहुत ही स्ट्रेट से स्टीप है, आपको देख के आना पड़ेगा ये। तो फ्रेंड्स अंग तबुक बिशंग हावी फैक्या बिशंग हावी नौ नुमंग खाना जगह स्ट्रक्चर बहाई जे सेम आंदनी
তলাতল গড় বা রঙর নিজে কনস্ট্রাকশন টাইপ আমি সেম বিশ হব আর জরা নিজে মেটেরিয়াল ইউজ খাইজাব সেম আর মেটেরিয়ালস নরব সুন্দর নুই মানো সো মো কাইসা সান থাকাই গ্র্যান্ডেস্ট প্যালেস অফ অসম কিংডম মানো আজরাব মো খুব গ্র্যান্ড বিল খাকে আজরাব বাহার সে কুছ এসা দেখ রে মেরে পিছে এই হ্যাঁ গ্র্যান্ডেস্ট প্যালেস বল সকতে হ্যাঁ আপলোক ইয়ে অসম ডাইনেস্টি মে সবসে গ্র্যান্ডেস্ট প্যালেস ওলোক মানতে থে ইসকো অসম কিংডম কা ইসি টাইপ কাহি স্ট্রাকচার রেতে হ্যাঁ লগভগ আপকা যো ভি প্যালেস হো ইয়া তো ফির মিলিটারি বেস হো ইয়া তো ফির আপকা যো জিস স্পোর্টস প্যাভিলিয়ন হো যো ভি হ্যাঁ ইস তরিকে সে বানায়া জাতা হ্যাঁ সো এস ইউ ক্যান সি দ্য কনস্ট্রাকশন ইস মোর অর লেস সেম লাইক দ্য তলাতল গর এন্ড দ্য রঙ্গর সো দ্য কিংডম অফ অহম মেড দিস এস এ গ্র্যান্ডেস্ট ওয়ান তো বাহার সে কুছ এসা নজারা হ্যাঁ পর ফুলো কা বগিচা হ্যাঁ বহুত হি লাস গ্রিন এরিয়া হ্যাঁ বহুত হি সুন্দর দিখতে হ্যাঁ ইয়াহ সে তো বাহার মে এসা কুছ বগিচা বনা হুয়া হ্যাঁ বহুত হি সুন্দর হ্যাঁ পর আপ বেঠ কে সময় বিতা সকতে হ্যাঁ আচ্ছা সময় বিতা সকতে হ্যাঁ ক্যোঁকি লাস গ্রিন এরিয়া হ্যাঁ তো ইয়াহ কা যো প্রাকৃতিক যো এহসাস সে আপ ইয়াহ পর আরাম সে মহসুস কর পায়েঙ্গে অর ইয়াহ কা এয়ার কোয়ালিটি ভি আচ্ছা হোগা ক্যোঁকি কাফি ইয়াহ পর পেড় পৌধে হ্যাঁ কাফি লাস গ্রিন এরিয়া হ্যাঁ তো আপলোক ইয়াহ পর আকে সময় বিতা সকতে হ্যাঁ আবি হাম লোক ইসকা পিছে যা রহে হ্যাঁ ও চারো তরফ সে ইসকো হাম লোক এক্সপ্লোর করেঙ্গে আবি হাম লোক ব্যাক সাইড মে যা রহে হ্যাঁ ইসকা তো আপ লোক কো সারো তরফ সে সারো দিক সে ইসকো দিখানে কি কোশিশ কর রহে হ্যাঁ হাম লোক ইসকা সাইড হো গয়া ইয়ে এক সাইড হো গয়া আবি ইসকা পিছে হাম লোক যা রহে হ্যাঁ इसके पीछे ऐसा दिखते हैं इसको इसका बैक साइड है ये তো চারিদিক সে মে ইস জগা কো দিখানে কি কোশিশ কর রহা হুম আবি ইয়ে তো ইসকা অর এক সাইট হ্যাঁ পিছে হাম লোক আবি হোকে আয়ে হ্যাঁ বহুত হি গ্র্যান্ড দিখতে হ্যাঁ ইয়াহ সে ইয়ে অর জেসে কি নাম সাজ করতে হ্যাঁ ইয়ে হ্যাঁ ভি এক গ্র্যান্ড প্যালেস অসম কিংডম কে লিয়ে লোক না ইসকো চারো তরফ সে কভর কি হ্যাঁ আর ফিলহাল তো ইয়াহ পর আর কুছ হ্যাঁ নেই এক্সপ্লোর করনে কা তো হাম লোক আবি ইয়াহ সে এক্সিট হোঙ্গে তো ইয়াহ পর আপলোক দেখ পা রে ইয়ে কুছ ইনফরমেশন বুকস ইয়া ফির ইয়ে অসম পুরা ডাইনেস্টি কা ইয়াহ পর টুরিস্ট অ্যাট্রাকশন প্লেস কা ইয়াহ পর ইনফরমেশন ইয়ে লোক ডিস্ট্রিবিউট কর রে হ্যাঁ পুরান কা দশিং পা হ্যায় দশিং পা মিন্স কায় ভাকা সরস্বতী ইয়ে দাদা কুছ ইনফরমেশন দে রে ইয়াহ পর তো আপ লোক ভি জব আইয়েগা তো ইয়াহ পর ভিজিট কর সকতে হ্যায় স্টোর ভিজিট কর সকতে হ্যায় ইয়াহ পর পুরা ইনফরমেশন আপকো মিল জায়েগা
और यहाँ कुछ खाने पीने का वेंडर, स्ट्रीट वेंडर्स है यहाँ पर, लाइक टिफिन वगैरह है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, फिलहाल हम लोग यहाँ से निकलते हैं क्योंकि ये जो जगह हम लोगों ने एक्सप्लोर कर चुका है और आप लोग भी देख चुका है यहाँ पर क्या क्या है। तो फिलहाल के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। तो बने रहिए मेरे चैनल पे और एक नए नए जगह एक्सप्लोर करते रहूँगा मैं आप लोग के लिए, आप लोग के पास लेते रहूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।